Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. As all of you know that we have completed chapter number 8, transportation, and we are going to skip chapter number 10. Abhi hum chapter number 10 ko skip karenge. Aur chapter number 10 is basically related to activities. So, वो आपको रीड करना है. अगर आप चाहो तो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो वो रीडिंग बेस्ड है, आपको खुद करना है. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दिस इज माय फेवरेट चैप्टर इन योर बुक. सो चैप्टर नंबर 11, एनिमल लाइफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. हम यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, कैसे अपने यंग वंस को फीड करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, बहुत सारे एनिमल्स हैं. कुछ एनिमल्स छोटे हैं, कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कुछ कैसे दिखते हैं, कुछ कलर, अगर हम उनका कलर देखें तो सब कलर, उनके सबके कलर्स अलग हैं. सो बहुत सारे एनिमल्स हैं और वो उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं बेसिकली वो रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई एनिमल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे या अपने यंग वंस, अपने जैसे ही वो अपने बेबीज प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस. ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस और देयर बेबीज एंड देन दे टेक केयर ऑफ देम. ओके, सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके जैसे ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कैट है, कैट ने अपने यंग वंस प्रोड्यूस करे, अपने बेबीज प्रोड्यूस करे, तो आप देखना जो किटन्स होते हैं छोटे छोटे वो कैट जैसे दिखते हैं, जो पपीज होते हैं वो डॉग जैसे दिखते हैं. सो जब एनिमल्स अपने यंग वंस, जब अपने बेबीज प्रोड्यूस करता है तो वो उनके जैसे ही दिखते हैं, वो सेम काइंड के ही होते हैं. सो वॉट वी हैव स्टडीड दैट रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड. वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके जैसे ही दिखते हैं. नेक्स्ट, एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस इन टू वेज. जितने भी एनिमल्स हैं वो टू वेज से रिप्रोड्यूस करते हैं, दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं. द फर्स्ट वन इज बाय लेइंग एग, एग लेकर के वो अंडे देते हैं. एंड सेकेंड इज बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. कुछ ऐसे होते हैं जो एग ले नहीं करते हैं, इंस्टेड वो सीधे अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. ठीक है, सो देयर आर टू वेज. फर्स्ट इज बाय लेइंग एग, एग्स लेकर के. सेकेंड इज बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देके. ठीक है, सो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एग ले करके कौन कौन रिप्रोड्यूस करते हैं. सो बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं वो भी एग ले करते हैं. जो रेप्टाइल्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं जैसे कि स्नेक, सो वो भी एग ले करते हैं. एंड इंसेक्ट्स, देयर आर मेनी इंसेक्ट्स विच ले एग, जो एग ले करते हैं. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं उनके जो डायरेक्टली यंग वंस को, अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं. सो उनके एग्जाम्पल है काओ. काओ आप देखते हो सीधे अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं. मंकीज, बफेलो, डॉग, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल. सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज, बाय लेइंग एग, बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. ठीक है, अब सबसे पहले क्योंकि हमने एग्जाम्पल में बर्ड डिस्कस किया है तो बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो जो बर्ड्स हैं दे बेसिकली ले एग, वो अंडे देते हैं. ठीक है, जब वो एग ले करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो एग के अंदर बेबी बर्ड है वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, बड़ा होता है. ठीक है,
जब वो धीरे धीरे एग के अंदर मैच्योर होने लगता है तो एक टाइम आता है कि वो एग का जो शेल है, जो एग की आउटर कवरिंग है, उसको ब्रेक करके, हैच करके उसके उससे बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब बेबी बर्ड एग के अंदर मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो एग शेल को, जो एग के बाहर का वाइट पोर्शन है, जो उसका उसकी आउटर कवरिंग है, उसको ब्रेक करके, हैच करके उससे बाहर निकलता है। तो जब बेबी बर्ड एग के अंदर से बाहर निकलता है तो एक तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। ठीक है, प्लस दे हैव नो विंग्स, उनकी विंग्स, जो उनके फेदर्स हैं, जो उनके विंग्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होते। दैट मीन्स दे कैन नॉट फ्लाई। जिस टाइम उनका जन्म होता है, जिस टाइम वो एग से बाहर निकलते हैं, उस टाइम दे हैव नो फीदर्स, नो विंग्स, सो दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते हैं। और उनको जो उनकी जो जो मदर बर्ड है वो उनको फीड करती है, वो बाहर से जो छोटे छोटे अनाज के दाने हैं वो लेके आती है, उससे उनको फीड करती है। सो वो कम्प्लीटली डिपेंड हो जाते हैं मदर बर्ड पे, मदर बर्ड उनका अच्छे से ध्यान रखती है। ओके, सो उनके फीडर्स नहीं होते, वो फ्लाई नहीं कर सकते, और वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, और उनको उनकी जो मदर बर्ड है वो उनको संभाल के रखती है। आप देखते हो वो नेस्ट बनाती है, नेस्ट के अंदर उनको रखती है, उनका ध्यान रखती है। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उनको चोट लग सकती है, वो कहीं गिर सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका ध्यान रखती है। और देखो आप एक चीज़ नोटिस करना, जो एग्स हैं, बर्ड्स के जो एग है, अलग अलग बर्ड्स के जो एग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर बर्ड के एग की जो शेप है, जो साइज है, जो कलर है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जब बेबी बर्ड एग से बाहर निकलता है सो डू दे हैव विंग्स, क्या उनके विंग्स होते हैं, आंसर विल बी नो, उस टाइम उनके कोई विंग्स नहीं होते। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि बेबी बर्ड जब एग से बाहर निकलती है तो क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एग, कि जो एग है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब बेबी बर्ड एग के अंदर रहता है तो कहाँ से उसको फूड मिलता है, कौन उसको प्रोटेक्ट करता है, कैसे क्या होता है। सो जो एग है वो कुछ ऐसे शेप का होता है, उसका ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ओवल होता है, पूरी तरह सर्क्यूलर भी नहीं होता। जो एग की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है, ये वाली कवरिंग जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं, शेल। ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सो अगर क्वेश्चन हो कि विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एग, एग की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है, आंसर विल बी शेल। ओके, उसके बाद शेल के बाद जो आता है वो आता है एल्ब्यूमिन। क्या आता है, एल्ब्यूमिन। एग के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और वो लिक्विड पार्ट जो होता है वो दो कलर्स में मिलता है, येलो और वाइट। ठीक है, एग के बाहर शेल होता है, शेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है जो दो कलर्स का होता है, वाइट एंड येलो। जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। और उसका काम होता है जो एग है उसको इंटरनल इंजरी से बचाना। ठीक है, वो एग को प्रोटेक्शन देता है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एग को प्रोटेक्ट कौन करता है, द आंसर विल बी एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट्स द बेबी बर्ड। ओके, आफ्टर दैट इन द इनर मोस्ट स्ट्रक्चर, सबसे अंदर जो होता है येलो पार्ट, उसको हम कहते हैं योक। क्या बोलते हैं, योक। आप इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना, योल्क नहीं है, ये योक है। सो द येलो पार्ट इज कॉल्ड योक। तो जब बेबी बर्ड एग के अंदर होता है तो वो अपना जो फूड है, जो उसका खाना है, जो उसका फूड है, बेबी बर्ड का जो फूड है वो लेता है योक से। किससे लेता है, वो योक से। ओके,
सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर जहां पे हमने थ्री पार्ट्स पढ़े, आउटर मोस्ट सबसे बाहर शेल, उसके बाद वाइट पार्ट इज एल्ब्यूमिन जो कि एग को प्रोटेक्ट, जो बेबी बर्ड को प्रोटेक्ट करता है. द येलो पार्ट इज येलो, वाई फॉर येलो, वाई फॉर योक. सो योक इज द येलो पार्ट जिससे बेबी बर्ड अपना फूड डिराइव करती है, अपना खाना लेती है. ठीक है, और जब फाइनली बेबी बर्ड एग के अंदर मैच्योर हो जाती है तो वो एग के शेल को ब्रेक करके बाहर निकलती है. ओके, आफ्टर दैट उसके बाद एग लेइंग में हमने पढ़ा इंसेक्ट्स के बारे में कि जो इंसेक्ट्स हैं वो भी एग ले करते हैं. ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स हैं वो बेसिकली एक मास में, मतलब एक ग्रुप में एग ले करते हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, और जो एग है वो उन, जो बेबी इंसेक्ट है वो उनको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जब उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, सपोज कोई इंसेक्ट है जिसने एग लेकर है, तो वो एग तभी ब्रेक होंगे जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा. अगर उसको ज्यादा गर्मी चाहिए तो उसको जब पूरी तरह गर्मी मिलेगी तो ही वो ब्रेक होगा. ठीक है, सो जो इंसेक्ट्स हैं वो एग ले करते हैं, एग जो बेबी इंसेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और वो तभी ब्रेक होता है जब इंसेक्ट को प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है. ठीक है, जब प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है, प्रॉपर हीट या कोल्ड जो भी उसको चाहिए वो मिलता है, तब वो ब्रेक होता है. ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स निकलते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते. जो भी इंसेक्ट है उसका एग ब्रेक होता है, उसके अंदर से बेबी इंसेक्ट निकलता है, और जो बेबी इंसेक्ट है वो पेरेंट इंसेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा. जो बेबी इंसेक्ट है वो पेरेंट इंसेक्ट जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देते. ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो मोल्डिंग करते हैं. मोल्डिंग का मतलब है कि उनकी जो स्किन है वो शेड होती है, निकलती है. ये स्किन निकली, नई स्किन आई, फिर ये नई वाली स्किन निकली और नई स्किन आई. तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ स्किन, स्किन का हटना, नई स्किन आना. तो जब शुरू शुरू में पेरेंट जो बेबी इंसेक्ट निकल रहा है एग के अंदर से, तो वो बिल्कुल भी इंसेक्ट जैसे नहीं दिखते. धीरे धीरे वो मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ स्किन, स्किन का हटना. ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी न्यू स्किन आती रहती है, धीरे 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 फाइनली वो अपने पेरेंट जैसा दिखने लगता है. सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या जो बेबी इंसेक्ट है एग में से निकलते वक्त क्या वो अपने पेरेंट जैसा दिखता है? नो. वो कब पेरेंट जैसा दिखता है? जब वो धीरे धीरे मोल्डिंग करता है, उसकी स्किन हटती है, नई स्किन आती है. तो जैसे जैसे वो मोल्डिंग करता है वैसे वैसे वो पेरेंट इंसेक्ट जैसा दिखाई देता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्डिंग? द शेडिंग ऑफ स्किन सो दैट द इंसेक्ट कैन रिजेंबल टू द पेरेंट इंसेक्ट. ओके, द शेडिंग ऑफ स्किन, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड मोल्डिंग. सो इन दिस वीडियो अभी हम जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया. फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स. Next we discuss that there are two methods of reproduction. There are two methods by which animals reproduce, which are by laying egg, by giving birth to the young ones. Then we discuss their examples ki kaun egg lay karta hai aur kaun directly apne young ones ko birth deta hai. Then we discuss ki birds jab hatch karke baby bird bahar nikalte hai to unke wings nahi hote, wo bahut sensitive hote hain. वो पूरी तरह अपनी मदर पे डिपेंड करते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट इंसेक्ट्स कि जब इंसेक्ट्स भी अपने एग से बाहर निकलते तो वो अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखाई देते हैं, धीरे धीरे वो मोल्डिंग करते हैं और फाइनली वो अपने पेरेंट्स जैसे बन जाते हैं. सो आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल्स ऑफ सम इंसेक्ट्स. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स